देखा देखा, हमें देख के हंसती है। जाने दिया, अच्छा किया। तुझे क्या, उस दिन आधी सिगरेट मांगी थी, पी थी, आज भुलवा थिएटर में पास करता है, इसीलिए। हाँ, कब मांगी थी? उसी राजबारी के मेले में। भुलवा कब ले चलोगे? दादा, तेरे सिगरेट नहीं चाहिए, ऐसी सिगरेट। तुझे कौन सिगरेट है? तब तो दो लेंगे। और तो नहीं भैया, देखे भैया एक ही और है। अब ले चलो। अरे ठहर ना। आइए साहब, आइए, क्या अच्छा तमाशा है, आइए। नया फैशन, नया फैशन, चलिए। कितने के लिए, कितने के लिए? खालो मैडम खाना, खालो मैडम खाना, खालो मैडम खाना। क्यों इतनी देर लगाई, हर जान लबों पर आई, और पेट में उड़ गई धूल, मुए चंदूल गधे की धूल, और पेट में उड़ गई धूल, मुए चंदूल गधे की धूल। मैं लेने गया था मिठाई, रास्ते में ठोकर खाई, मैं लेने गया था मिठाई, रास्ते में ठोकर खाई, और चोट देखो आई, और चोट देखो आई। चल झूठ मुए हर जाई, ये सब बक बक है बुदूल, चल झूठ मुए हर जाई, ये सब बक बक है बुदूल। मुए मधुल नामा फूल, क्यों इतनी हो झल्लाती, ये सालन है ये चपाती, क्यों इतनी हो झल्लाती, ये सालन है ये चपाती। मुझको तो नहीं है भाती, हाँ पूरी कचौड़ी खाती, हाँ पूरी कचौड़ी खाती, मुझको तो नहीं है भाती, हाँ पूरी कचौड़ी खाती, हाँ पूरी कचौड़ी खाती।
फिर जाऊं अभी फिर जाऊं, तुम ठहरो अभी ले आऊं। क्या भूख से मैं मर जाऊं, क्या कच्चा तुझे जमाऊं, ना माखून कथे की धूल हुए चंदूल। अब देर न होगी बख्शो तुम बख्शो हाँ बख्शो, अब देर न होगी बख्शो तुम बख्शो हाँ बख्शो। बस तौबा बीबी तौबा, पहले भी तो की थी तौबा। अरे बस तौबा बीबी तौबा, पहले भी तो की थी तौबा तौबा, फूल जुनून बिलाडी फूल। लड़के भाग जा, अभी कहता हूँ भाग जा, भाग जा। तुम स्टेज पर तो आकर मुझे नहीं मार सकते। मेरे मैनेजर साहब। तूने क्यों मारा? जाने कौन जा सकता है, अपनी जान भी तो प्यारी है। दमकल वालों ने है जरूर, और उसके बाद लड़की पर जुर्म करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया जाऊं, है ना? पहुँचा दें। नहीं नहीं जाएंगे।
ओ, तेरा भी शायद कोई नहीं है। तो चल मेरे साथ चल, मेरा भी कोई नहीं है। हाँ सुन, भूख लगे और खाना ना मिले तो रोना नहीं, ये कह देते हैं, नहीं तो नहीं नहीं जाएंगे। नंगे बदन है, हमें सर्दी नहीं लगती, तुझे इतनी सर्दी क्यों लगती है? हमारा कपड़ा ओढ़े है फिर भी सर्दी लगती है। शहर सोएगी? चल।
नहीं खा, अच्छी तरह नहीं खाएगी तो नाचेगी कैसे? हम लोगों को तो फिर कलकत्ते लौट कर जाना पड़ेगा। फिर कलकत्ते जाएंगे, बड़े बड़े मकान, पोंपो मोटर गाड़ी, लाखों बिजली की बत्तियां, इतने बड़े बड़े थिएटर। सुर क्या? सुर से सीन उठ जाता है। तू नाचेगी, हम गाएंगे, लाल सब जर्द रंगीन बत्तियां हम लोग के मुंह पर पड़ेंगी, कैसे कैसे अमीर बड़े आदमी आएंगे, रुपए देकर हम लोग का गाना सुनेंगे, नाच देखेंगे। कुत्तो, तुझे कलकत्ते के थिएटर के लिए एक नाच सिखा दे। अभी नहीं नाचेंगे। वाह, नाच नहीं सीखेगी तो कलकत्ते कैसे जाएगी? एक हारमोनियम खरीदना होगी, पैं पैं करके हम बजाएंगे गाएंगे, तू नाचेगी। अगर नहीं नाचेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? कौन देगा, क्यों देगा? कलकत्ते कैसे जाएगी? नहीं नहीं नाचेंगे। नहीं नाचेगी? नहीं नाचेगी? नहीं। नहीं नाचेगी? नाच। अरे रोटी है, ची 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 ची, रोनी मुँह धोनी, बिल्ली लाई आटा, मंजू का मुँह चाटा, ची 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 ची। हाँ यह हंसी, वाह, अब नाचेगी ना? हाँ नाचेगी ना। इस घुंघरू की चनन चनन में बड़े पड़े हैं गुन। घुंघरू बाबा ने चनन 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 घुंघरू बाबा ने चनन 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 चुनन चुनन जब घुंघरू बोले, बंदी गांठ भागों की खोले, सोना रूपा एक में खोले और बरसावे हुन। चुनन चुनन जब घुंघरू बोले, बंदी गांठ भागों की खोले, सोना रूपा एक में खोले और बरसावे हुन। मीठे बोल पे करना भरोसा, जग में है धोखा ही धोखा। मीठे बोल पे करना भरोसा, जग में है धोखा ही धोखा। झूठी बात पर बैरा बन जा, सच्ची बात को सुन। झूठी बात पर बैरा बन जा, सच्ची बात को सुन। बोली पर डोले नैया, बोले सागर पार चिरैया, हर बोली पर डोले नैया। इस नैया का कौन खिवैया, चल अच्छा है सगुन। इस नैया का कौन खिवैया, चल अच्छा है सगुन। फल कल मौके बुरे भरे हैं, ताप के मोती नफे धुले हैं, सच्चे झूठे मिले जुले हैं, अधिकारी बन चुन। सच्चे झूठे मिले जुले हैं, अधिकारी बन चुन। इसी रास्ते से सीधे कलकत्ते पहुंच जाएंगे। उसके बाद बड़ी बड़ी बिजली बत्तियों वाले थिएटर, तुम नाचोगी, हम गाएंगे, लोग चीखेंगे भुलवा भुलवा मंजू मंजू। बस अब ज्यादा मत सोचो, जल्दी चलो, पानी और ज्यादा बढ़ जाएगा तो कलकत्ते भी नहीं जा सकेंगे। आप और थिएटर में पार्ट करेंगे और मुझे देना ही होगा, किस मजबूरी पर बताइए तो? आप थिएटर में पार्ट करेंगे? अरे मैं कहता हूँ, क्या दुनिया में एक्टरों का काल पड़ गया है? मेरे साथ एक लड़की भी है। लड़की?
साथ में लड़की भी है। अरे मैं दरिया करूं कि उस लड़की का सिन क्या है भैया। मैं भी हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप चलते फिरते नजर आइए। इस थिएटर के उड़ जाने से मेरे बाल बच्चों को रोटी भी नसीब न होगी। सरकार नहीं नहीं इस वक्त मुलाकात नहीं हो सकती। जी 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 क्या है, तुम कैसे आदमी हो जी, क्या चाहते क्या हो है? सरकार मैं एक छोटे से पार्ट के लिए आया हूँ। नो नो नो, यहाँ हम लोग शरीफ एक्टरों के सिवा और किसी को नहीं रखते। हुजूर मैंने इससे पहले भी पार्ट। उफ, तूने तो परेशान कर दिया जान खाली। अब एक कह तो दिया है कि हम लोग सवाए शरीफ एक्टरों के और किसी को नहीं रखते, ये पेशादार थिएटर नहीं है। जाओ जी। मैं गेट आउट यू जी वाला चपरा से। तो हम लोग देहाती में अच्छे थे। इन थिएटरों की नौकरी की तलाश में फिरते फिरते तो क्या नौबत आ गई देखो तो। हमें थिएटर में जाने की जरूरत ही क्या है? इससे तो अच्छा है कि हम लोग नाचते गाते फिर उसी गांव में चले चले। वहां के तमाम लोग अपने ही आदमी मालूम होते थे, हमारे दुख को समझते थे, तुम्हारी कितनी अवभगत करते थे, यहाँ तो कोई बात भी नहीं पूछता। हमें यहीं रहना होगा। लेकिन अब तो पूंजी भी नहीं रही, मकान का किराया, फिर हम लोगों का खाना पीना, ये सब कहाँ से आएगा? इस बात की तुझे क्या फिक्र है? लौट जाने के लिए तो कलकत्ते नहीं आए थे, नौकरी न मिलेगी तो यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। लेकिन खाने पीने का क्या होगा? जो पहले होता था, फिर सड़कों पे गाते फिरेंगे। अच्छा यहाँ रहने से क्या हासिल? थिएटर में तो किसी ने नौकरी दी भी नहीं और देगा भी नहीं। जो लोग थिएटर में एक नौकरी नहीं दे सकते वो रास्ते में गाना सुनकर भला कुछ देंगे हा? अब ज्यादा बको मत, जाकर तैयारी कर लो। जाओ जा सके। का जाने तू का जादू कर दिया है भूभू, तुम्हारे बिगैर एक मिनट फिर चैन नहीं ले रहे हैं। हजरत से तुम्हारे पास आवेला जो जीद लगा रखी है, चुप होवे का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जा तुम कजल क्यों लगाती हो? तुम बताओ तुम्हारा ब्याह होगा? हाँ। दूल्हा कहाँ है? यही तो है। जोर तो अच्छा है। है अच्छा है।
शेषर, शेषर जाओ इन्हें बुला लाओ तो। हे बाबूजी बुलाते हैं, गाना सुनेंगे, आओ आओ। अरे बाबा अमर बाबू की नजर पड़ गई है, अब क्या पूछना है, पारस हो जाएगी पारस। क्यों इधर मरने के लिए आए थे, जाओ भेंट चढ़ाओ। अरे यार अमर बाबू भी अपने वक्त का पूरा राजा इंदर है, रोज दरबार में एक नई परी होना चाहिए। मिलते भी खूब है भाई, इस मामले में अमर बाबू नतीजे सिकंदर है। Hail, holy muse, offspring of heaven. Now start off. Visheshwar. हाँ हाँ गाना शुरू करो। हाँ ले गा। सुकून दिल का मैया कर गुलो समर में नहीं, सुकून दिल का मैया कर गुलो समर में नहीं, सुकून दिल का मैया कर गुलो समर में नहीं, आशिया में है अपने वो बाग घर में नहीं, आशिया में है अपने वो बाग घर में नहीं, जहाँ है राह गुजर कर रही है चलती सांस, जहाँ है राह गुजर कर रही है चलती सांस, सुकून की कोई उम्मीद उम्र भर में नहीं, सुकून की कोई उम्मीद उम्र भर में नहीं, न आसरा हो जिसे दूसरे का ए हमदम, न आसरा हो जिसे दूसरे का ए हमदम, वो ऐसा दिल है कि जैसे चिराग घर में नहीं, जैसे चिराग घर में नहीं, पराए दुख को दुख अपना समझ ले और देता, पराए दुख को दुख अपना समझ ले और देता, बशर नहीं जो ये बता रहूं, बशर में नहीं, बशर नहीं जो ये बता रहूं, बशर में नहीं। परफेक्ट, ब्रिलियंट, तुम लोग तो खूब गाते हो, तुम्हारा नाम क्या है? भूलुआ। गुड, और तुम्हारे साथ के इस हीरे का नाम? मंजू। मंजू, मंजू, व्हाट अ चार्मिंग नेम। जितना प्यारा नाम है उतनी प्यारी सूरत और शक्ल भी है। अच्छा अब तक तुम लोग कहाँ थे? इस तरफ पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। कलकत्ते में हम लोग पहले पहला हैं बाबू। ओह आई सी। इस तरफ कभी आना हो तो यहाँ जरूर आना, यू आर ऑलवेज वेलकम हियर ऑलवेज। तुम लोग यहाँ कहाँ रहते हो? लेक के किनारे किया तला एक बस्ती है वहीं। ओ इतनी दूर, और इस तरह बीवी को सांस लिए सड़कों पे दिन भर मारे मारे फिरा करते हो? बीवी, बीवी को साथ लेकर मारा मारा क्यों फिरने लगा बाबू? देन हु इज दिस एंजल? आई मीन ये कौन है? ये तो मंजू है। वंडरफुल वंडरफुल, बीवी ना सही मंजू ही सही, लेकिन इस तरह इसे सांस लिए रास्ते पे फिरना कैसा? तुम किसी थिएटर में नौकर क्यों नहीं हो जाते? इसी उम्मीद पर तो कलकत्ते आए थे बाबू। हम लोग नए हैं इसीलिए सब भगा देते हैं। व्हाट, भगा देते हैं? तो क्या मेरे डायमंड थिएटर में नौकरी करोगे? क्यों नहीं करूंगा बाबू। ओके अच्छा तो क्या पता बताया था? 9 नंबर क्या तला लेन। एक मिनट, 9 नंबर नंबर 9 क्या तला लेन,
अच्छा यू कैन गो, तुम जा सकते हो. लेकिन कहीं और थिएटर में नौकरी तलाश करने की जरूरत नहीं. ना ना ना, तुम नौकर हो गए. चुप क्यों हो? हैं? लो चरणामृत लो. मैं नहीं पीऊंगा. हैं? अरे पिता की हेठी न कराओ, बड़े सोच विचार के बाद त्रिलोकनाथ नाम रखा था. लो झट से आंख बंद करके चढ़ा तो जाओ मेरे मट्टी के माधव. हमारे घर में वो गुस्सा होती है. As if that matters. अरे नहीं यार, अब शराब वराब अच्छी नहीं मालूम होती. दिल बहुत रंजीदा है. पूरे साल भर तक थिएटर में नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान. अब उस्ताद जब तक स्टेज के लिए एक नई लड़की तलाश करके न निकाल लूंगा, शराब वराब कुछ न चूंगा. जिस दिन से थिएटर खुला है खाली प्यारी ही प्यारी, प्यारी ही प्यारी. आखिर कहाँ तक अच्छी मालूम हो, कोई हद भी? There you are. अरे गोबर में से गुलाब का फूल और कूड़े करकट में से हीरा निकाल कर दिखाई देता हूँ. लो जरा झट से चढ़ तो कर जाओ और उसके बाद मेरे साथ चलो. अरे हटो हटो, इस तरह बहुत दफा कह चुके हो. दोस्त कहता हूँ गुटक लो और उसके बाद चलो मेरे साथ. जब अपनी आंखों से उस फूल की कच्ची कली को, उस चांद के टुकड़े को देखोगे तो भौरे और चकोर के चेले बन जाओगे. अरे बस बस रहने दो, मुझे नई औरत की फिक्र लगी है और आप बातें चिकलाने बैठे हैं. गोबर से गुलाब का फूल निकालने बैठे हैं, कच्ची कली और चांद का टुकड़ा लिए फिरते हैं. अच्छा चलो तो देख लूंगा तुम कितने बड़े त्रिलोकनाथ हो. अगर उस मोहल्ले के नाले में गंगा स्नान न करो तो सही. समझते क्या हो? मुकन्ना ने नक्षत्र से चांद निकाला था, अमरचंद घूरे से निकालता है घूरे से. अरे पांच पांच सिक्के रायजुल वक्त ढेर चढ़ाना पड़े हैं, अमरचंद का रुपया है. दिल लगी बात ही है. सांप के मुंह की छिछुंदर, उगले तो अंधा और निगले तो कोहड़ी. सच कहते हो यार? अरे दोस्त आंखें चौंधे हा जाएंगी. ये तुम्हारी प्यारी व्यारी उसकी जूती की बराबरी नहीं कर सकती. आ गई आंखें. अरे आओ 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 प्यारी आओ. बस खबरदार, तुम इस तरह बातें बनाने वाले हो तो कौन हो? दिन रात मेरी जूतियों की नोक दिखाया करते हो. प्यारी ही की जूतियों की बदौलत जी? ये क्या मैं नहीं जानता? कुढंगे नाच की धमा चौकड़ी से स्टेज के सीने पर जो मोंगरियां पड़ती हैं उनकी चोटें सुनने वालों के कानों से दाखिल होकर कलेजे से कलेजे में उतर जाती हैं. जिसकी आवाज हम ठोंक कर ट्राम की आवाज से मुकाबला करती है और दबने का नाम नहीं लेती जब गाती हो, वाह 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 वाह. तो चटकल का भांपू अपने हारने की फरियाद करता है. देखते हैं त्रिलोक बाबू, देखते हैं. ये बात अच्छी नहीं है, समझे? ऐसा होगा तो तुम चली जाओगी. यही ना, इतना कहने में रुकावट कैसी, हिचकिचाना कैसा? दफा हो जाओ. मैं सचमुच कहती हूँ चली जाऊंगी. रास्ता पकड़ो रास्ता, नई चिड़िया आएगी. देखते हैं त्रिलोक बाबू, देखते हैं. मैं कहती हूँ आखिर ये बात क्या है बताइए तो. इनकी तरह अगर मैं पाठ नहीं कर सकती ना सही, तो क्या इसके लिए रोजाना जूती की नोक दिखाया करेंगे? आज किसकी बदौलत डायमंड थिएटर इतने जमाने से दौलत लूट रहा है? आज मैं गाना नहीं जानती, नाचने से स्टेज टूटता है, देखने वालों को बुखार चढ़ता है. ठहरो ठहरो, अभी बुखार न चढ़े. लेक के किनारे से तुम्हारा बुखार देखने का थर्मामीटर ले आऊं. अरे चुप रहो अमर. अमर क्या जानता है, तुम चली जाओगी. भला जा सकती हो और मेरे जीते जी. अरे भला तुम ही बताओ कि ये थिएटर है किसके लिए?
चली जाऊंगी पगली कहीं भी। प्यारे बीबी डिस कर लीजिए, टाइम हो गया। अरे डबल प्यारी मजे करो जान, आज तो त्रिलोकनाथ जरूर अभिसार में जाएंगे। चलो 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 चलो। बुलवा अच्छा बताओ तो तुम किससे ब्याह करोगे? मैं तुम ही बताओ मैं किससे ब्याह करूं? पहले तुम बताओ। ना पहले तुम बताओ। नहीं पहले तुम बताओ। तुम ही बताओ। हम बताएं? देखो एक लड़की से। तुमसे? बस फिर किससे? जो तुमको मारे। क्यों मैं तुमको मारता हूँ इसलिए? नहीं तुम कहना नहीं मानते हो इसलिए। अच्छा तुम भी तो दौलतमंद हो जाओगी, तुम किससे ब्याह करोगी? फिर क्या बताओ ना। किसी से भी नहीं। नहीं बताओगी? अच्छा हम बताते हैं। नंदू की माँ, नंदू की माँ तुम जानती हो मंजू किससे ब्याह करेगी? एक राजकुमार से। क्या होता है? मंजू ने सपने में देखा एक बहुत बड़ी गाड़ी है। अच्छा नहीं होगा बुलवा। एक तरफ मंजू बैठी है और दूसरी तरफ वो राजकुमार, समझी? राजकुमार भुलवा नहीं। वारे मैंने यही कहा था। और वो राजकुमार मंजू से कितनी मोहब्बत करता है। जा मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मुंह फुलाने की जरूरत नहीं, आओ तुम्हें वो गाना सिखा दूं, बाबल मोरा नैया छूट हो जाए। मैं इतनी मुश्किल धुन नहीं सीख सकती। मैं तो सिखा दूंगा। तुम गा सकते हो इसीलिए समझते हो कि मैं भी गा सकूंगी। इससे तो अच्छा है कि हम तुम दोनों मिलकर गाएं। कौन सा गाना? ऋतु है सुहानी मस्त सुहानी, ऋतु है सुहानी मस्त सुहानी, छाई है यो दीनु दिखटाए, छाई है यो दीनु दिखटाए, ऋतु है सुहानी मस्त सुहानी, ऋतु है सुहानी मस्त सुहानी, सुख का जागना सुख का हर करवट सुख होना, होना है सुख का जागना, सुख का सोना हर करवट सुख होना, होना है सुख का जागना। दुनिया आगे बढ़े तो हम भी पीछे क्यों रह जाएं? दुनिया आगे बढ़े तो हम भी पीछे क्यों रह जाए। ये क्या करती हो? मेरी खुशी, मेरा घर, जो जी चाहेगा करूंगी। अच्छा करो। जरूर करूंगी, करूंगी तो। फूलों से रानाई सीखे, ऊंचों से सेवाई सीखे, फूलों से रानाई सीखे, ऊंचों से सेवाई सीखे, जैसे रंग रचे हो सब में वही रंग रंग जा, जैसे रंग रचे हो सब में वही रंग रंग जा, हम भी वही रंग रंग जा। मिस्टर भुलुआ, मिस्टर त्रिलोकनाथ हमारे थिएटर के मालिक। मिस्टर भुलुआ इन्हीं के बारे में तुमसे कहा था, बहुत मजे में गाते हैं। अब तो तुमने खुद सुन ही लिया है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। यही है तो चुप। मिस्टर भुलुआ आप अपनी इस कोयल से हमारे त्रिलोक बाबू से तो तारुफ करा दीजिए। ये मंजू है। आप लोगों का थिएटर बहुत बड़ा है ना, बाहर बहुत सी बिजली की बत्तियां हैं,
हम लोग बाहर से देख आए हैं। तो आप अंदर क्यों ना आई? हाँ, तो आप अंदर क्यों ना आई? जाते तो निकल ना दिए जाते। आप लोगों के थिएटर में क्या सब लोग शराब पीते हैं? नहीं तो कौन कहता है? वाह, अभी आप लोग हंस रहे थे तो मुझसे बदबू आ रही थी। ये एक रिहर्सल था ना, रिहर्सल, वही शराबी वाला रिहर्सल। तो मिस्टर भुलुआ, आप कब आइएगा? कल गाड़ी भेज दूं? गाड़ी? हाँ, गाड़ी नहीं आएगी तो क्या मिस मंजू पैदल चल के जाएंगी? अच्छा, तो मिस्टर भुलुआ, मैं कल गाड़ी भेज दूंगा, आप तशरीफ ले आइए। तो अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। जैसे रंग रचे हो सब में वही रंग रंग जाए, हम भी वही रंग रंग जाए, हम भी वही रंग रंग के कमरे में घंटी बाजी है, जाना ही पड़ेगा। तुम जरा ठहरो, मैं अब भी आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कल इतना समझा दिया था कि ठीक 11 बजे पहुंच जाना, 12 बज गए और किसी का पता तक नहीं। 2 बजे, आज 2 बजे कौन आएगा जानते हो? बड़ी बड़ी तनख्वाहें तो ले रहे हो, लेकिन आज 2 बजे कौन आएगा ये भी जानते हो? जाओ जाओ, काम करो, काम 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 काम। अरे गाओ बजाओ नाचो रिहर्सल करो, जो कुछ भी बन पड़े करो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करो। जाओ मुंजे जी। आदमी क्या चाहता है जी? आदमी चाहता है उंदा उंदा चुटपुटे गाने, रंगीन ख्यालियां, सरूर से मस्त होना। तुम्हारा सर? जी हाँ। गधे तुम खाक समझते हो। आदमी चाहता है औरत, बताओ हाँ या नहीं? जी हाँ जरूर। तो फिर हमारे थिएटर में औरत है, बताओ हाँ या नहीं? नहीं। हाँ कौन? जी ये कंचन रमला सुरमा प्यारी कमरा। उर्मा सुरमा प्यारी कमरा, ये सब औरतें हैं? जी नहीं। तो फिर ये क्या है? जी औरत नहीं है। ठीक, औरत कैसी होती है आज देखना। आ रही है जिसकी हंसी देखकर खून पानी हो जाता है। आइए आइए मिस्टर मंजू, आइए मिस्टर भुलुआ। ए तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो इन्हें अपना थिएटर दिखा लाएं। हाँ जरूर जरूर, आइए आइए मिस्टर मंजू। आइए आइए। ये है स्टेज। जी हाँ, जला दो वो बड़े फोकस वाली बत्ती। जला दो। कौन बत्ती सर? अरे जलाओ ना जलाओ ना, जो कहता हूँ वो करो, वही लाल लाल, वो नाच वाली नाच वाली। इतने दिनों से काम कर रहे हो या घास खोद रहे हो? पहले पहले बात को अच्छी तरह समझ लो, तब जाओ, समझे? वही वो जो जर्द जर्द जो होती है, वो सूरज का इफेक्ट देने वाली, सूरज का इफेक्ट देने वाली, समझे? वो लूके ही का। समझी मिस मंजू मैंने क्या कहा? ओ मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं ना। अरे सब्ज बत्ती जलाओ, सब्ज, रोने वाली रोने वाली। ये ठीक है। तो मिस मंजू फर्ज कीजिए कि खूब दुख का सीन है और आप तमाम दुख दिखाने वाले नाक, गमजे, ठस्से, अदाएं, शरारतें, शोखियां दिखा रही हैं। वो सब्ज बत्ती आपके मुंह पे डाली जाती है, एक स्वर्गीय अदा, सहरा एक हू हू करता हुआ रेगिस्तान है, फूल लगे हुए हैं, दरख्तों का नाम निशान नहीं, और एक ओ हाँ, एक बात रह गई।
चलो इन्हें नाच गाने वाला कमरा दिखा लाएं। आइए आइए। कर यहाँ से ले जाओ ना। अच्छा। ओ जुए, खूब जानती हूँ। तो मिस मंजू, आप परसों से बराबर आया करेंगी हैं? और भुलुआ? हाँ मिस्टर भुलुआ, मिस्टर भुलुआ भी जरूर आएंगे, लेकिन बात यह है कि इस ड्रामे में कोई और पार्ट नहीं है ना। लेकिन इससे क्या हुआ, मैंने मुंशी को कह दिया है अब जो ड्रामा लिखा जाएगा वो खास तौर पे मिस्टर भुलुआ ही के लिए लिखा जाएगा। चलिए मिस मंजू। संसार में एक नया जीवन डालकर हलचल पैदा करने वाली मंजू, मंजू का नृत्य, मंजू का गाना, मंजू का अभिनय, मंजू का रूप, मंजू की अदाएं आज रात के 9:30 बजे। बेशक प्यारी बीवी बहुत अच्छा काम करती हैं, सिर्फ सूरत ही अच्छी होने से क्या होता है, गुण भी तो होना चाहिए, गुण। अरे बाबू साहब, अगर ऐसा ही है तो लौट क्यों नहीं जाते? बॉक्स का टिकट खरीदने के लिए लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मरे क्यों जाते हैं? लेके कमंडल छोड़ के मंडल। अब गाओ। लेके कमंडल छोड़ के मंडल। रुक क्यों गई? गप, हमसे नहीं होता। ठीक तो हो रहा था। चल फिर से गा। नहीं, ये हमसे नहीं होगा। न जाने कैसी कैसी मुश्किल धुने, न समझ में आती है न कुछ, सीख लो। अरे कैसी पगली है, ठीक तो कह रही थी और कहती है कि हमसे नहीं होगा। ले फिर से गा। लेकिन कमंडल छोड़ के मंडल। ले पहले ठीक से सुन ले। लेके कमंडल छोड़ के मंडल। लेके कमंडल छोड़ के मंडल। मंडल के वहां से नहीं होता। 100 मर्तबा होगा, ना होना कैसा। जल्दी कर, थिएटर की गाड़ी अभी आकर मौजूद हो जाएगी। अच्छा ठहरो, देख एक काम कर, तू खुद ही गा, मैं नहीं बजाऊंगा। तब तो और भी हो चुका। तू गा तो सही, और जब तक मैं ना कहूँ रुकना मत, इसी लाइन को गाए जा। चल शुरू कर। लेके कमंडल छोड़ के मंडल। रुकी क्यों, फिर गा। लेके कमंडल छोड़ के मंडल। हटो, मैं डर गई थी। लेकिन ठीक तो हो गया ना, देखा। अरे वाह रे मेरी तुरतुरी। अच्छा अब के एक मरतबा फिर गा लो।
लेके कमंडल छोड़ के मंडल। बिल्कुल ठीक हुआ, देखा, और बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, आपके एक मर्तबा सारा गाना गा दो। अब मैं नहीं गा सकती। मंजू देख, कहना मान। ओ, गाड़ी आ रही है, चल। नहीं, मैं थिएटर में भी नहीं जाऊंगी, पार्ट भी नहीं करूंगी। ये क्या? नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। तुम वहाँ होगे नहीं, इतने आदमियों की भीड़, मुझे डर मालूम होता है। कौन कहता है कि मिस्टर भुलुआ वहाँ नहीं होंगे? मिस्टर भुलुआ तो विंग में बैठ के आपका काम देखेंगे। हाँ, देखेंगे नहीं तो ठेंगा। खाली हमें काम देते हैं, इन्हें काम ना दे सके, ठेंगे का थिएटर। अरे वाह रे, ये कैसे हो सकता है? सुन तो रही हो कि सब पार्ट दिए जा चुके हैं। हाँ, इसके बाद के तमाशे में तो देने को कहते ही हैं। क्यों, इसमें देते तो क्या होता? न जाने कौन गाएगा कौन नहीं, वो जैसे तुमसे अच्छा गाना जानता है। साहब, ये तो बताइए, जब से आपका थिएटर खुला है तब से आज तक हर एक तमाशा मैंने देखा, आज टिकट नहीं मिल सका तो क्या मंजू भाई को मैं ना देखूं? आज इसी को पीकर सफर कीजिए। बाप रे बाप, क्या अंधे हो? औरत है या हथनी? अरे सीटी देकर क्यों नहीं, सीटी देकर, जिससे मालूम हो जाता कि सड़क ठीक करने वाला रोलर आ रहा है। इतने आदमियों की भीड़ और अकेले खड़े होकर हमें गाना होगा, इस बात के ख्याल से हमें डर मालूम होता है। अरे डर का है का? इतने आदमी के सामने ही गाने में तो खुशी होती है, नाम होता है। स्टेज पर पहुँच कर देखिएगा, बिल्कुल डर नहीं मालूम होगा। ऐसी ऑडियंस पाना क्या कुछ कम इज्जत की बात है? अरे ये सब बातें नसीब से नसीब होती हैं, नसीब से। डर? मैं गाना ही भूल जाऊंगी, तुम मेरे पास रहोगे, वादा करो। अच्छी पगली है। अरे ये कैसे हो सकता है? हाँ करीब रहूँगा। हाँ तो फिर सामने ही रहना, हम जब देखना चाहें तो देख सके। हाँ हाँ सामने ही रहूँगा। अरे तुम क्या ख्याल करती हो, मैं ना देखूंगा कि तुम कैसे गाती हो? अच्छा अब आप ठीक से पार्ट याद कर लीजिए। अरे ये रोना क्या, हम तुमको हीरोइन बना के छोड़ेगा। अरे मुंजू तो आज ही बदनाम हो जाएगी। देखो ये पेड़ जो तुम्हारे लिए लगा है, बस देखना। देखे भुलुआ, चलो भाग जा। अरे ये भाग जाना कैसा? नहीं तो मैं रो दूंगी। अच्छी पगली हो। अरे डर का है का? चलो। मिस मंजू, अब खेल शुरू होने को है। बस कुछ ना पूछो रंभा, कलेजा मुंह को आता है। अरे वो गाना मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए लिखा था, अब मंजू उसका सत्यानाश करेगी। हे कवि, तुम्हारी उर्दू में बेस्ट विशेस को क्या कहते हैं? जी हाँ, कल भी तहनियत है, उससे भी मुश्किल लफ्ज। आपको उस विंग से दाखिल होना है। हाँ नब्बू रेडी? हाँ रेडी बजा दे। हाँ जरा ठहरिए, इसे तुम लिए रहो और यहाँ से ना हिलना, मैं जब तुम्हें देखना चाहूँ देख लूँ। अच्छा मैं बैठ कर देखता हूँ, तुम जाओ तो, वहाँ देर हो रही है। चलिए गाना। जा तो रही हूँ, जाइए। भुलुआ मेरे पाँव कांप रहे हैं। धुत, डर किस बात का? वाह डर नहीं मालूम होगा। धुत फिर वही डर। जाओ मैं तुम्हारे फूल हाथ में लिए बैठा रहूंगा, तुम मुझे देखती रहना और गाती रहना।
डरवर सब दूर हो जाएगा। जाओ, देर हुई जा रही है। नहीं जाऊंगी, जाओ। गाइए, फिर गाइए, फिर गाइए। हाँ हाँ, बुलवा बुलवा। मुझे अच्छा नहीं मालूम होता, तबीयत उलझ गई। दिन रात थिएटर थिएटर, न जाने कैसे कैसे बेहुदा लोग ऐसी नजरों से देखते हैं कि मुझे बहुत बुरा मालूम होता है। डर लगता है। पागल, अरे डर काहे का? और कई दिन गुजर जाए, देखना ये डरवर सब दूर हो जाएगा। शहर भर में तुम्हारा नाम होगा, हर तरफ तुम्हारी ही तारीफें होंगी, जिसकी जबान पर देखो मंजू मंजू मंजू। मुझे तारीफ नहीं चाहिए। उन लोगों ने तुम्हें काम क्यों ना दिया? एक गाना तक सिखाने की तो तमीज नहीं। तमीज नहीं, वो सब पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या गाना नहीं सिखा सकते? हाँ, वो तो कहो कि नसीब अच्छा है जो तुम सिखा भी देते हो। अच्छा ठीक, अब गाना शुरू करो। खैर, ये क्या? ठीक है, अब गाओ। नहीं। फिर वही से, जब इतने लोगों के सामने ऊटपटांग गाओगी तो इसमें मेरी बदनामी ना होगी? लोग कहेंगे कि भुलवा कुछ सिखा ही नहीं सकता। उनके कहने से देखो मैं गा सकती हूँ कि नहीं। अच्छा।
है क्या कोई सुहावना सपना, धन माया सब अपना अपना। है क्या कोई सुहावना सपना, धन माया सब अपना अपना। नाही नाही खुली आँख में, नाही 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 खुली आँख में, सपना कहाँ समाए। लक्ष्मी मूरत दरस दिखाए, लक्ष्मी मूरत दरस दिखाए। लालच की फरेबी धूप ये है, ना पिछले जन्म की धूप ये है। लालच की फरेबी धूप ये है, ना पिछले जन्म की धूप ये है। हो नहीं सकता डूबा सूरज रात को सामने आए, हो नहीं सकता डूबा सूरज रात को सामने आए। देखा मेरा हारमोनियम कैसा सुरीला है, तुम्हारे थिएटर के ऑर्गन टॉर्गन से कहीं बेहतर है। ये ठीक मेरे दिल की बात जान लेता है, जो चाहता हूँ समझ लेता है, तुमसे भी ज्यादा। हाँ और क्या, पहले ये तुम्हारे पास आया था कि मैं, अच्छा ठहरो अमर बाबू ऑर्गन लाने वाले हैं, आ जाए तो देखूंगी, उस वक्त इसे चूर करके फेंक दूंगी। अच्छा चूर कर डालना, लेकिन जानती हो इसमें मेरी जान है, इसे चूर कर सकोगी? जा ऐसी मनहूस बातें। अच्छा अच्छा अब गाना तो सीख लो, आखिर तो थिएटर में जाके धुन भूल ही जाओगी। हाँ इनके कहने से शहर के तमाम लोग हमको कितनी बड़ी गाने वाली समझते हैं जानते हो? हाँ हाथी जितनी बड़ी। चलो अब गाओ। गाती तो हूँ। ना धोखा ना ये छल है, क्या पिछले कर्म का फल है। ना धोखा ना ये छल है, क्या पिछले कर्म का फल है। कोई जतन हो जाए ये देवी हाथ आए, कोई जतन हो जाए ये देवी हाथ आए। लक्ष्मी मूरत दरस दिखाए, लक्ष्मी मूरत दरस दिखाए। वाह ठीक तो हो गया, बहुत अच्छा हो गया। जरूर अच्छा हुआ, अब तुम ये टूटी हुई हारमोनियम छोड़कर इस पियानो पर आओ तो। अरे भाई पियानो तो अमीरों के दिल खुश करने का बाजा है, ये हम गरीबों की कब सुनने लगा? फिर वही। अच्छा तो रहे मुकाबला, बजा कर देखो कौन सा अच्छा बजता है। चलो बजाओ। बजाओ 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 you
फरियाद, ये सब क्या है? सौ मर्तबा मना किया कि पियानो पर फूलदान न रखा कर, धप्पा लग जाएगा, लेकिन तू नहीं मानता। जा, निकल जा, दूर हो जा मेरे घर से। यह तुम्हारी बड़ी बेजा बात है मंजू। क्या? बच्चा है, पेट का मारा नौकरी करने आया है, निकालना ना चाहिए। नहीं, निकालूंगी नहीं। सौ मर्तबा मना किया, लेकिन नवाब के सगे को समाती नहीं होती। कोई घर में आएगा, समझेगा ये सब गंवार हैं, बदतमीज हैं। तुम्ही ने तो दुलार कर करके नौकर को सर पर चढ़ा रखा है। छी, कसूर हो समझा दो। गरीब को रोटियों की मार कभी ना देना चाहिए। नहीं, सर पर चढ़ा लेना चाहिए। न जाने कहाँ कहाँ के कमीने आके भर गए हैं। तो फिर हम लोग भी कमीने हुए? आखिर हम लोग भी तो गरीब थे मंजू। अब तो हम लोग गरीब नहीं हैं। क्या शरीफ आदमी जो घर में आते हैं उनसे शराफत के साथ तो मिलना होगा। क्यों, क्या हुआ मिस मंजू? इतनी लाल पीली क्यों हो रही हो? देखिए तोमर बाबू, जितने नौकर चाकर हैं सब मुए लूंजे अपाहेज, न काम के न काज के, सिर भर अनाज के। उनको जो जरा सा डांटा तो उनकी तरफ से ये कमर बांध कर मुझसे लड़ने के लिए आ मौजूद हुए। ओ, बड़ी बेजा बात। लेकिन हो सकता है कि मिस्टर भुलुआ जानबूझकर आपको चिढ़ाकर गुस्सा दिलाना चाहते हो, क्योंकि गुस्से में आपकी ये दोनों नरगसी आंखें कुछ ऐसी भली मालूम होती हैं कि ओ देखिए ना, यहाँ भी यही लिखा है। जाइए, आपको तो हरदम दिल लगी ही सूझती रहती है। दिल लगी? जानती तो है कि दिल लगी की आड़ में बहुत सी दिल की बातें जाहिर कर दी जाती हैं। क्यों, आपका क्या ख्याल है? मिस्टर भुलुआ कहाँ गए? ओ, भुलुआ शायद खफा होकर चले गए। उनके दुलारे नौकर को बुरा भला कहा है ना? तशरीफ रखिए। ये आजकल बार बार पर उठ जाते हैं और इतने दिनों से खाली बैठे हुए हैं, काम काज भी तो नहीं मिलता। और आप लोग भी अजीब आदमी हैं। कहा था कि इन्हें जरूर पार देंगे, मगर ना दिया ना दिलाया। इन्हें काम देते तो आप देखते, ये मुझसे कहीं ज्यादा नाम पैदा करते। मुझे इतना सब किसने सिखाया? इन्हीं ने तो। ये आपकी बड़ी बेजा बात है मिस मंजू। आप हमें मुफ्त में इल्जाम देती हैं। मिस्टर भुलुआ के लिए तो खास तौर पर ड्रामा लिखा जा रहा है। सच? सुनो नंदू बाबू, तुम अब मंजू से ब्याह नहीं कर सकोगे। वो पैसे वाली हो गई है, शरीफ बन गई है, उसने बहुत नाम पैदा किया है, शोहरत हासिल की है। हम ब्याह करेंगे, हम दूल्हा बनेंगे। अच्छा, तो किसी और से कर लेना, मंजू से ब्याह करके पछताओगे। सुना, मंजू अब पहले किसी मंजू नहीं रही, बदल गई है, उसकी दुनिया बदल गई, समझे? मुझे से ब्याह करेंगे। तो फिर पछताओगे? प्रेम भिखारी प्रेम रोगी काहे जोग रमाया, प्रेम भिखारी प्रेम रोगी काहे जोग रमाया, घर से निकसा जटा बढ़ाई और परदेश बसाया, घर से निकसा जटा बढ़ाई और परदेश बसाया, जगत को दादा चोर घर को जो कि बन के आया, जगत को दादा चोर घर को जो कि बन के आया, बिरह अगन में बन कर तो पत्थर को दिल। देखो, थिएटर में नौकरी मत करना, समझे? नौकरी देते ही कौन है बाबू? ये लो, भाग जाओ यहाँ से, इस शहर से भाग जाओ, ये शहर बहुत खराब है, भाग जाओ।
तुमने हंसा ही दिया मत। सुनो मिस मंजू, तुम्हें रिहर्सल की जरूरत है। अरे तुम तो जीनियस हो जीनियस, तुम अदाकारी की भूत। हाँ, अदाकारी की क्या कहा? कुछ नहीं, कल नया तमाशा है। कल नया तमाशा है तो इसे क्या, देख लेना, कल देख लेना मिस मंजू, सबके मुंह पर फिटकार बरसा देगी फिटकार। जिस वक्त मिस मंजू अपने ड्रामे में कहेंगी तुम लोग तालीम याफ्ता हो ना, तुम लोग समाज को सुधार कर उसमें नई और ताजा रूप फूंकोगे ना, किस बिरते पर, काहे से, इसी पाप और बुराइयों से भरे हुए दिल से। सिर्फ ख्याल है कि चांद पर थूकने से अपने ही मुंह पर आता है। मजाक करने लगे तो मिस मंजू, तुम इनके मजाक का कुछ ख्याल ना करना। मिस मंजू, मुझे कम से कम कोई ऐसा ख्याल नहीं, जरा सोचो तो सीन कितना लाजवाब होगा जिस वक्त तुम कहती हो मुझे समाज चाहिए, मुझे संसार चाहिए, उस वक्त सबके मुंह पर फिटकार बसने लगेगी फिटकार फिटकार फिटकार। सच कहता हूँ मिस मंजू, तुम्हें पाकर तुम्हें पाकर तुम्हें पाकर तुम्हें पाकर। सॉरी, क्या 11 बज गए? ओह, अब मैं जाती हूँ अमर बाबू, बातों बातों में बहुत देर हो गई। भुलवा जानते हैं कि आज तमाशा नहीं है, वो घबरा रहे होंगे। क्यों रे, तो अभी तक सोया नहीं? ये क्या बीवी ने खरीद दिया है बाबू? मंजू ने? उसने तो तुझे नौकरी से छुड़ा दिया था ना? नौकरी से छुड़ाएंगी, खुद बीवी थिएटर जाते वक्त गाड़ी में अपने साथ ले गई। जानते हैं बाबू, बीवी ने इसका 2 रुपया दाम दिया है। इसीलिए नहीं गया? वाह, हमारे चले जाने से बीवी का दिल को दुख ना होगा? दुख होगा? जी हाँ बाबू। अच्छा, अगर हम चले जाएं तो दुख होगा? जी हाँ बाबू, बहुत दुख होगा। किसे? हमें। और तेरी बीवी को? जी हाँ बाबू, उनके दिल को भी बहुत दुख होगा। अच्छा तो सुन, तू भी ना जाना, मैं भी ना जाऊंगा। अच्छा, आजकल तेरी बीवी को बहुत काम है ना? जी हाँ बाबू। जब ही मिजाज हर वक्त ठीक नहीं रहता। जी हाँ। लेकिन है पहले की सी, जरा सा भी फर्क नहीं हुआ है ना? जी हाँ बाबू। आ तुझे बाजा सिखाऊं। बाबू, बीवी आ रही है, मैं जाकर सो रहा हूँ। मैं तो जागते हुए देखकर बेकार को गुस्सा करेंगी। तो तुम्हारा ये ख्याल है कि इस लाइन में ऐब और बुराइयों से बचना दुश्वार है? नहीं, मगर हाँ, ऐब और बुराइयां हैं, लेकिन किस काम में नहीं है? क्या जो काम तुम पहले करती थी उसमें ना थी? क्या रास्ते के लोग त्रिलोक बाबू की तरह ललचाई और बुरी नजरों से तुम्हारी तरफ घूरते ना रहते थे? अच्छा और बुरा अपने दिल से है मंजू, कौन अच्छा है और कौन बुरा, इसकी जांच पड़ताल में ना पड़ो वरना पछताओगी। लेकिन जिन्होंने हमारी तरह तुमसे मिलकर दुनिया की सच्ची खुशी हासिल की है, एक नया शुभ और पवित्र जीवन प्राप्त किया है,
और समझ लिया है कि मसरत की दुनिया का लुबे लबाब क्या है। वो जानते हैं कि तुम एक दुनियाए तसव्वुर की तस्वीर ख्याली हो। तुम उनको तो छोड़कर नहीं जा सकती मंजू। आप कभी कभी कुछ इस तरह बातें करना शुरू कर देते हैं कि मुझे सुनते बहुत अच्छी मालूम होती है, लेकिन समझ में खास भी नहीं आती। तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करता मंजू, लेकिन ये कह देना चाहता हूँ कि हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। मुझे ये डर है कि कहीं तुम भुलुआ की बात को मुकदम ना जान लो और ये समझो कि सड़कों पर मारे मारे फिरना ही जिंदगी का मकसद है। जैसे मैं भुलुआ के कहने पर चला करती हूँ। उनके लिए आप लोगों ने कुछ ना किया, वो सचमुच बहुत अच्छा गाते हैं। सिखा लेने पर आप देखते वो मुझसे कहीं ज्यादा नाम पैदा करते। अरे अमर बाबू ने 3 दिन से शराब नहीं पी। अरे क्या कहते हो इसका मतलब? क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता और ये निभ भी नहीं सकता। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई ये तो सब हुआ, अब घर जाकर दूसरी नौकरी की फिक्र करो। इस वक्त से एक जरा सा भी कसूर होने पर बस गर्दन में हाथ देकर दरवाजे के बाहर निकाल दिए जाओगे। क्यों? तुम्हारे कहने से दिल लगी बाजी पाया है? अरे भैया इतने दिन का नशा भी तो दिल लगी बाजी नहीं है। वो जो कहते हैं क्या क्या कहते हैं, हाँ कहते हैं सातवीं पुश्त है इस दस्त की सयाई में, छोड़ते ही मिजाज सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। अब नौकरियों से हाथ धो लो भैया। बिल्कुल ठीक, लेकिन इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा, इसको हम जट से उखाड़ देगा। देखो भैया सिर्फ इसी एक बात की कोशिश न करना और जो तुम्हारा जी चाहे करो, क्योंकि इसकी जड़ जो है उसे उखाड़ फेंकने से तुम्हारी जड़ भी उखड़ जाएंगी। अरे इसकी जड़ है श्रीमती मंजू। अरे आहिस्ता आहिस्ता, मंजू ही के बारे में तो इतनी गड़बड़ मची हुई है। अमर बाबू और त्रिलोक बाबू तो एक दूसरे की सूरत तक से बेजार हैं। मंजू बड़ी सती है ना, शराब वराब बिल्कुल पसंद नहीं करती। बस फिर क्या पूछना, झट से अमर बाबू शराब छोड़कर भले आदमी बन गए। इस वक्त चकवा चकवी की तरह ना जाने कहां किस डाल पर पत्तों की आड़ में चोंच से चोंच मिलाए बैठे बकबकम कर रहे होंगे। उधर रिहर्सल बंद पड़ा है, इधर हम लोग चकमार रहे हैं। और मंजू भी किसकी तरफ ढुलकी हुई है? तो लोग बाबू समझते हैं कि मुझ पर ही जी है और अमर बाबू समझते हैं कि मुझ पर। तुम क्या समझते हो? भाई मैं तो समझता हूँ कि किसी पर भी नहीं, वो तो अपना उल्लू सीधा कर रही है उल्लू। अमर बाबू गाड़ी पर चढ़ा चढ़ा कर पछता रहे हैं और त्रिलोक बाबू गाड़ी पर चढ़ाने को तरसते हैं इसलिए किटकिटा रहे हैं। भाई वो है भी तो बड़ी खिलंदड़ी। अरे तो हम लोगों को क्यों तिंगने का नाच नचा रही हैं? ऐसी खिलंदड़ी हैं तो सिर्फ अमर बाबू की गाड़ी पर क्यों, उनसे ब्याह करके उनके कंधों पर चढ़ें, सर पर चढ़ें। ये तो आप ठीक कहते हैं, लोगों को अगर बुराइयां करना मिल जाए तो फिर उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। अब यही देख लीजिए, आपके साथ जो मैं घूमती हूँ कितना कुछ सीख सकती हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि लोग क्यों इतनी बुराइयां करते हैं। अच्छा भुलवा तो किसी दिन कुछ नहीं कहते? कहेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें तो तुमसे मिलने में आसानी है। बुराइयां तो वही लोग करते हैं मंजू, जो ये चाहते हैं कि तुम उनसे उनकी मर्जी के मुआफिक घुल मिल जाओ, और मौका नसीब नहीं होता। कोई शख्स तुम्हें उनके हथकंडों और बुरी नजरों से बचा बचा कर चले, ये उन्हें कभी गवारा नहीं। ये क्या कर रही हो मंजू? नहीं दिखाऊंगी। दिखाओ। ये चूहा, दोनों कान, दांत नहीं है तुम।
अच्छा मंजू, गंगा तो तुम बहुत पवित्र ख्याल करती हो ना? वाह, गंगा स्नान में पुण्य होता है ये तो सभी जानते हैं। तो फिर आओ यहाँ बैठे। नहीं, उधर चलिए। क्या हुआ, जल्दी आइए। ये क्या करती हो? थिएटर की एक्सरसाइज गंवार और देहाती लड़कियों की तरह कीचड़ पानी से नहीं खेलती। पानी से नहीं भिगाती। किसकी तरफ हाथ बढ़ा रही हो, राजा इंद्र की तरफ? सेवल की रुई की तरफ। हाँ, देखें किसकी तरफ आती है। अच्छा, जिसके पास आएगी उसका कुछ ना कुछ नफा जरूर होगा। आपके पास आई है, देखिएगा आज आपका कुछ ना कुछ नफा जरूर होगा। होगा नहीं, हुआ है। क्या? कदम डगमगा गए थे लेकिन संभल गया। क्या कहा? कुछ नहीं। देखिए, आपसे तमाम बातें कहना मेरा फर्ज है, इसीलिए कह रहा हूं, वरना मेरा क्या नुकसान है, बताइए ना। और मेरा नुकसान भी है, देखिए ना, आज जो दिन भर वो थिएटर नहीं गई तो किसका नुकसान हुआ? मेरा ही तो हुआ। मैं थिएटर के तमाम आदमियों को साथ लेकर 12 बजे से उसकी राह देख रहा हूँ और वो न जाने अमर के साथ कहाँ कहाँ घूम रही है। अरे, अकेले मैंने थोड़े ही देखा है, शहर के तमाम लोगों में दिन रात यही चर्चे हो रहे हैं। अरे कहो, अभी अभी तुम्हारा नाम हुआ है, हमने चारों तरफ मशहूर किया है कि शरीफ घराने की लड़की है, और ये हरकतें लोग थोड़ी थोड़ी नहीं करेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ आप क्या नहीं कर सकते। आप मंजू को खूब धमकाइए, अच्छी तरह से डांट डपट दीजिए। आपने उसे पाला है, उसकी परवरिश की है, इतनी कोशिश करके उसे इस मरतबे तक पहुँचाया है, उसको आपकी बात मानना ही पड़ेगी, वरना देखिएगा ये अमर उसे तबाह और बर्बाद कर देगा। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, अव्वल दर्जे का लुच्चा, पल्ले दर्जे का शोदा, बदमाश, गुंडा, और ये सिर्फ मंजू के डर से कुछ खुलकर कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, समझे? देखिए, भूलिएगा नहीं। हाँ, अंधेरे में क्यों बैठे हो? यूं ही। दीदी लखिया की मैं पूछती है क्या पकेगा? कुछ नहीं, मैं खा आई हूँ। और बाबू क्यों, कुछ पक्का नहीं? वाह, आप ही तो बाजी को छुड़ा कर गयी। ओहो, देखा, बिल्कुल भूल गई थी। अच्छा, लखिया की माँ से कहो आग सुलगाए, मैं पकाऊंगी। इस वक्त तुम कितनी अच्छी मालूम हो रही हो। बस जरा ठहरो। सवरिया प्रेम की बांसी सुनाए, सवरिया प्रेम की बांसी सुनाए, पतली पतली जरा से बन बड़े बड़े गुन गाए, सासुरों के फेर बदल से हार राग
के बांधे सुना निर्मोही को रूप दिखाए मोही को तरसाए ऊपर डाल के काली कमलिया दिन को रात बनाए सवरिया प्रेम की बांधे सुनाए सवरिया प्रेम की बांधे सुना मन के ध्यान फेरा था काली लंबे दौड़ लगा मन के ध्यान से राधा रानी लंबी दौड़ लगाए मथुरा से मथुरा से गोकुल तक जाए दर्शन कर लौटा मथुरा से गोकुल तक जाए दर्शन कर लौटा लौट आए फिर जाए लौट आए आप तो प्रीत की रीत ना जाने और को प्रीत सिखाए मुंह पर डाल के काली कमलिया दिन को रात बना मन के ध्यान से राधा रानी लंबी दौड़ लगाए मथुरा से गोकुल तक जाए दर्शन कर लौटा हेलो हाँ त्रिलोक बाबू कहते हैं कि मिस्टर भलुआ मेरा आपका मेलजोल पसंद नहीं करते लेकिन मुझे यकीन नहीं आता आपका क्या ख्याल है भलुआ कहते हैं ये हो ही नहीं सकता अच्छा मैं पूछती हूँ क्या है तुम क्या मुझे अमर बाबू से मिलने जुलने को मना करते हो मैं क्या त्रिलोक बाबू झूठ कहते हैं हाँ त्रिलोक बाबू कहाँ मिले थे यहीं यहाँ वो यहाँ क्यों आए थे इन बातों को सुनने से तुम्हें भी कोई फायदा नहीं और मुझे भी नहीं और ये सब बखेड़े अच्छे भी नहीं मालूम होते बेकार की बातें पैदा होती हैं और फिर उनकी तफसील पेश करना अमर बाबू त्रिलोक बाबू नेकनामी शोहरत थिएटर हम इन सब बातों की जरूरत ही क्या है ये शरीफों और अमीरों की जिंदगियां हैं हमें इनमें सुख नसीब नहीं हो सकता तुम तो ऐसा कहो ही गे तुम्हें थिएटर में नौकर नहीं रखा गया ना मंजू भुलवा भुलवा बाबू तो बाहर चले गए बीवी बहुत रात हो गई कुछ पकाइएगा नहीं 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 मैं किसी के लिए भी नहीं पकाऊंगी Thank you.
बाहर चले गए। हेलो 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 साउथ 415। हेलो कौन? अमर बाबू? हाँ। ओह देन आई एम प्रिविलेज्ड, मैं आ सकता हूँ? ओह जरूर, आई एम कमिंग, आता हूँ आता हूँ। वो अगर मुझे इस तरह कहते तो क्या मैं यूं ही नाराज होकर चली जाती? बस गोया जितना कसूर है सब मेरा ही है, बार बार वो रूठते रहे और मैं मनाती रहूं, क्या मैं गुस्सा करना नहीं जानती? बहुत, लेकिन दूसरों पर गुस्सा करके अपनी राह खोटी करने से क्या हासिल? मंजू तुम शहर की नामी ग्रामी एक्ट्रेस हो, तुम्हें घर की लड़ाई झगड़ों में पड़कर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। किसका कसूर है और किसका नहीं, इन फजूल के झगड़ों में वक्त जाया ना करो, उठो तैयार हो, कम 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 गेट रेडी। मैं तुम्हें इन घर के झगड़ों में परेशान नहीं होने दूंगा, उठो उठो उठो, चलो गुल खिलाओ तुम हजारों रंग के, मैं तुम्हारे बाग का माली बनूं, मैं शेर पढ़ूंगा और तुम सुनोगी। आज नया तमाशा है, रिहर्सल में ना जाऊं तो त्रिलोक बाबू क्या कहेंगे? गोली मारो त्रिलोक बाबू को और रिहर्सल को। क्या वो लोग मेरी मंजू एक्ट्रेस को मुझसे ज्यादा जानते हैं? चलो चलो। अच्छा। हरिया एक प्याला गर्म दूध ले आया, तो दवा खाऊंगा। चकिया की माँ थोड़ा दूध ला तो। ये दवा उस दूध में मिला सकेगा? जी हाँ बाबू। तो मिला दे, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं नहीं मिला सकूंगा। मंजू थिएटर गई है क्या? जी हाँ बाबू, अमर बाबू ले गए हैं। मुझे जाना ही पड़ेगा बेटा, नहीं तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी। मगर बीबी जब सुनकर गुस्सा करेंगी तब क्या कहेंगी? अरे तेरी बीबी को मालूम कैसे होगा, देखता नहीं दवा खाते ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। मंजू को वापस होते तो आज बहुत ज्यादा रात होगी ना? जी हाँ बाबू। आज उसका नया तमाशा है। सर मुसीबत, मंजू भी अभी तक नहीं आया, अभी तो बिना के तो चांस। बिना? कौन बिना? हमारा हम लोगों का बिना। आइए, आपके आने का वक्त हो गया, आने की जरूरत ही क्या थी सर? वो आ गई, मंजू बीबी आ गई, उसको उस गाने की धुन सिखा दूं। तेरी चोंच पर मेरे प्रीतम प्यारे के प्यार करने के निशान हैं। तुम तो ऐसा कहो ही गए, तुम्हें थिएटर में नौकर नहीं रखा गया ना? इस खेल में तो इस तरह की बातचीत नहीं है। तो इससे आपको क्या? नहीं, इसी से मुझे ये ख्याल हुआ था। अच्छा जरा रिहर्सल रूम में चलिएगा। मैं अभी नहीं जा सकती। लेकिन आज नया तमाशा है, वो जो गाना है ना बाबुल मोरा नैयर छूटो जाए की धुन सीख लीजिएगा। कहे तो चुकी के वो धुन मैं जानती हूँ, भूलो मुझे सिखा चुके हैं। लेकिन खान साहब ने नई धुन बनाई है। उस गाने की नई धुन? जिस गाने की जो धुन जी में आएगा बनाएंगे, और मुझे वही सीखना पड़ेगी। ये धुन निहायत ही लाजवाब बनी है, सबको पसंद आई है, लेकिन त्रिलोक बाबू तो। जाके कह दीजिए कि मैं नहीं गा सकती। लेकिन त्रिलोक बाबू? फिर त्रिलोक बाबू जाइए, यहाँ से चले जाइए। त्रिलोक बाबू से जाके कहिए कि मैं ये गाना नहीं गाऊंगी, मैं काम भी नहीं करूंगी, मैं घर जाती हूँ। जाइए कहिए जाके।
तोहफा पेश करूंगा, लाली कमल के फूल का, लाली कमल के फूल का। अब लाल कमल के फूल का तोहफा किसे पेश कीजिएगा? मंजो बीबी तो आग बगोला होकर घर चली गई। वाह, आप ही बताइए, खास तौर पर उन्हीं के लिए तो धुन बनाई गई थी और वो कहती हैं कि मैं इस धुन में गा ही नहीं सकती। क्या उसने नई धुन सुनी थी? कहाँ सुनी, बिगड़ कर मुझे तो कमरे ही से बाहर निकाल दिया। शरीफ आदमी, थिएटर की नौकरी करने आया हूँ तो क्या ये सब एक्टर एक्ट्रेस इस तरह से शुरू करेंगे? आप लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, मैं बुरा नहीं मानता, तो क्या ये सब लोग जलील करेंगे? अच्छा, आप जाइए, उसके लाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठहर जा, आज बीवी से कहकर तुझे न निकलवा दिया तो जब भी कहना। निकलवाएंगे। अच्छा देख, निकलवा देती हूँ कि नहीं, अगर आज निकलवाना तो और भी अच्छा होगा, फिर बीवी को 2 रुपया दे कुछ न कुछ खरीद देना होगा। हमने कुछ नहीं किया बीवी। नहीं, तू क्यों कुछ करने लगा? तू तो बेचारा कुछ जानता ही नहीं, जो कुछ करती हो तो मैं करती हूँ। क्या हुआ लक्ष्या की माँ? बाबू ने इससे दूध मांगकर दवा पी थी, ये कहता है कि बाबू को बुखार था, इसी से कहा कि पूछ क्यों नहीं लिया कि बाबू रात को क्या खाएंगे। बुखार है, लेते हुए हैं। बीवी, बाबू बाहर चले गए, बाबू ने कहा बुखार था, अच्छा हो गया। ओ, शायद जुकाम उकाम हुआ होगा, दिन रात न मालूम कहाँ कहाँ की खाक छानते फिरते हैं, अब ये सब बखेड़े मुझसे संभाले नहीं जा सकते। लखिया की माँ, तुम सूजी के फुलके पकाओ तो, और गोल मिर्च डालकर। नहीं नहीं, रहने दो, तुमसे नहीं होगा, मैं खुद आती हूँ। हम लोगों की खुशनसीबी है कि बाकमाल माहिर फन उस्ताद जमाना खुशगुलू गाने वाले साहब ने हमारे आज शाम के प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सामीन को महजूज फरमाने का वादा किया है और अपना नाम आप लोगों पर जाहिर करने को मना फरमाते हैं कि कहीं शोहरत और इज्जत से गुरूर पैदा होकर कमाल को जवाल न हो जाए, इसलिए हम लोग उनका नाम पोशीदा रखने पर मजबूर हो गए। थोड़ी देर बाद उनके बेनजीर और लाजवाब कमाल और खुशगुलूई का सबूत पेश करके आप हजरात की तबाह को मसरूर और लुत्फानंदोज किया जाएगा। मंजू, क्यों अभी तक मसरूफियत कम नहीं हुई? काम से फुर्सत मिलेगी या नहीं? रेडियो पे ऐलान हुआ है कि एक बेहतरीन गवैया गाने को है, क्या तुम नहीं सुनोगी? जरूर सुनूंगी अमर बाबू, सब तैयार हो गया है, हलवा उतार कर आती हूँ, आप रेडियो खुला रखिए। मधुर नाम बजे झूठे पड़ जैसा बिगड़े ठाट से काम बने क्या मेघ बजे न मना बिगड़े ठाट से काम बने क्या मेघ बजे न मना पंचम चेड़ो मौसम बोले घर जबने गंधा पंचम चेड़ो मौसम बोले घर जबने गंधा दिन के झूठे पड़ गए जीवन दीन मधुर न बजे झूठे पड़ गए तार दिन के झूठे पड़ गए तार इन तारों को खोलो इन तरबों को फेंको फेंको इन तारों को खोलो उत्तम तार नई तरबे हो कब हो नया सिदा जिस परदे से जो सुर बोले गूंज उठे संसार दीन के झूठे पड़ गए तार जीवन दीन मधुर न बाजे झूठे पड़ गए तार दीन के झूठे पड़ गए तार बजने को है पूछ नगारा होना है सबसे छुटकारा
बजने को है कुछ नगारा, होना है सबसे छुटकारा। अपना जो है उसे समझ लो, वो भी नहीं हमारा। अपना जो है उसे समझ लो, वो भी नहीं हमारा। क्या तुमने पहले भी कभी मिस्टर भुलुआ को ये गाना गाते सुना था? नहीं, लेकिन ये जरूर भुलुआ है, मगर ये रेडियो में गाने गए और मुझसे कहा भी नहीं। अच्छा अच्छा रहने दो, इस बात पर लड़ाई झगड़ा करके मुंह फुलाने की कोई जरूरत नहीं। औरों की तारीफ करने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। उठो, वहां जो हजारों आदमी तुम्हारा गाना सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं, उनका भी कुछ ख्याल है? मुझे क्या ख्याल नहीं है, आप लोगों के बेकार के नए ख्याल और इजादों की ठूस ठांस ने गाने के काबिल मुंह भी रखा है। अच्छे अच्छे गानों की मामूली और भर्ती की धुने बात कर। भर्ती? कौन से गाने की फजूल धुन बनी है? क्यों, बाबुल मोरा नई हर छुटो जाए की नई धुन? ठीक मंजू, मुझे तुमसे ऐसे एतराज की उम्मीद न थी। गाने के बारे में खान साहब की मालूमात तुमसे बहुत ज्यादा है, और उन्होंने जो ये नई धुन नल दमयंती ड्रामे के मौके के मुताबिक बनाई है वो निहायत ही काबिले तारीफ है। आपके कहने से अगर यही होता तो भूलो क्यों कहते, कितनी अच्छी और उम्दा धुन इंसान की मजाल नहीं जो बना सके, ये किसी देवी या देवता की बनाई हुई धुन है। क्योंकि मिस्टर भलुआ पुराने ख्यालात के आदमी हैं, अब वो तुम पहले सी देहाती मंजू नहीं हो, अब तुम शहर की माया नाज एक्ट्रेस हो। उठो, अभी भी वक्त है, चलो नई धुन सीख लो। लेकिन भुलुआ को बहुत दुख होगा, वो नाराज हो जाएंगे, आप नहीं जानते उन्हें इस धुन से कितनी मोहब्बत है। घरेलू दुख सुख के ख्याल से तुम सारी दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और ऐलान भी कर दिया जा चुका है, और अगर आप तुम नहीं गाओगी तो क्या होगा, जरा सोचो तो। अच्छा होगा, सब लोग आप लोगों के साथ महाभारत मचा देंगे। क्या तुम्हारी बदनामी ना होगी? क्यों, थिएटर के तमाम लोग कहेंगे कि मंजू के गरूर की वजह से खेल बंद हो गए। वाह क्या खूब, खामखा मेरा गुरूर सुना जाएगा। आपको क्या मालूम, इधर कई दिनों से मेरी तबीयत कितनी परेशान रहती है। इस वक्त तो परेशान नहीं है, चलो उठो कपड़े बदलो। बड़ी दिल लगी आएगी। क्या भुलवा जैसे हमारे बगैर कहे रेडियो में गाने गए हैं, वैसा मजा भी चखेंगे। हरिया हरिया, बाबू के आते ही थिएटर में भेज देना, मेरे इस धुन में गाने से भुलवा ऐसा गजबनाक होंगे कि क्या कहिए, गुस्से से आप बगुला ही तो हो जाएंगे। लेकिन स्टेज पर आके तो कुछ न कह सकेंगे। अब जरा ठहरिए, मैं अब भी आती हूँ, आज उन्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो भी याद करेंगे। हंस रहे हो, तुम्हें चोहलें सूझ रही हैं। अगर मैं मंजू को न ले आता तो तुम्हारी हंसी देखता। तुम शर्मा रही हो। ए, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? है गाने की रिहर्सल हो चुकी, खेल शुरू होने वाला है, तुम लोग जहाँ मौजे कर रहे हो, जाओ देखो मुझे गुस्सा न दिलाओ, जाओ जाओ। अपनी घरवाली के सर के कसम खाकर कहता हूँ मंजू, कि आज मुझे इतना सदमा था कि अगर तुम ना आती तो उनकी जान की कसम मैं अपनी जान दे देता। आपके मुबारक फूल लाइए। ठहरिए।
सच्चे झूठे में नजले हैं अधिकारी बन तुम, सच्चे झूठे में नजले हैं अधिकारी बन तुम, अधिकारी बन तुम। जी भूलो नहीं आए? नहीं, लाइए मुझे दे दीजिए। नहीं, आप लोग इसे हाथ न लगाइएगा। क्यों क्यों, क्या हुआ क्या हुआ? आप लोगों को तो हंसी के से और कुछ सोचता ही नहीं, देख तो चुके हैं हर मर्तबा नए तमाशे के दिन इसे भुलुआ को देकर गए हूँ तो कितना नाम हुआ है। आज उसका नया तमाशा है, अगर वो मुझे फूल हाथ में लिए सामने कुर्सी पर बैठे न देखेगी तो बदशगुनी समझेगी, शायद पाठ भी भूल जाए। मैं तो जानता हूँ वो कितनी डरपोक है। आपको इतना बुखार है? होने दे, ठीक हो जाएगा, मुझे जाना होगा। अमर बाबू भूलो तो नहीं आए? आते ही होंगे, घर पर देर से पहुँचे होंगे। अगर ना आए तब तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा, तो फिर मैं इस गाने के सुन में क्यों गाऊंगी? जी मिस मंजू, इस वक्त मिस्टर भुलुआ की तरफ ध्यान भटकाना ठीक नहीं, अपने ख्याल में रहिए। आप इस वक्त राजकुमारी दमयंती हैं, मेरी प्रेम का, मेरी चाहने वाली, भुलुआ तुम्हारा कोई नहीं। लेकिन मेरी तो आदत पड़ गई है, बार बार भुलुआ की कुर्सी पर नजर जाती है। अमर बाबू मेरे नए खेल को सुनकर तो भुलुआ कहीं नहीं रुक सकते ना। फिर वही बात, घंटी बज रही है। मंजू कहाँ? आइए आइए जल्दी आइए। मैं नल हूँ परंतु वरमाला का अभिलाषी हूँ। अमर बाबू भूलुआ अब तक नहीं आए? चुप कहो महाराज, मेरा लाल कमल का फूल। कहती तो हूँ महाराज, मेरा कमल का लाल फूल नदी में न जाने कहाँ बहकर चला गया। उसने कमल का लाल फूल मांगा है जिस फूल से वो खेल रही थी, वो नदी में गिरकर बह गया। अब क्या करूं? हाँ पा गया प्राणेश्वरी, एक फूल मेरे दिल की जमुना में लहला रहा है। मेरे ध्यान की मनमोहनी मूरत दूंगा तुम्हारे दिल बहलाने के लिए, लाल ही कमल का फूल अर्पण करूंगा। आज मेरे हृदय को भी प्रेम की हवा लग गई। महाराज आज मेरे हृदय राज बनकर सामने आए हैं। सखी आज ये प्रेम मुझे मेरे नैहर से छोड़ाए लिए जा रहा है। माता पिता बहन भाई अपने पराए सब के छूटने का दुख मेरे हृदय में एक तूफान उठाए हुए है। उस तूफान में एक आवाज बार बार ये कहती सुनाई देती है, बाबुल मोरा मोरा नैहर सो तो जाए, बाबुल मोरा चार का हार मिले के चार का हार मिले डोलिया सजाबो अपना बिग
जाऊंगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं जाओगे तो दिल से धोखा देने का चाहते हो? निकालो, मैं नहीं जाऊंगा। इतने आदमियों के सामने मुझे इस तरह जलील किया, अमर बाबू भुलाओ मुझे। तुम इतनी परेशान ना हो मंजू, वो तो तुम जानती हो नादान है। तो इसलिए वो मुझे इस तरह जलील करेंगे? तमाम लोग अपने दिल में क्या करते होंगे। भुलाओ के घर मैं कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। अच्छा ना जाना, लेकिन थकी हुई हो, आराम तो कर लो। तो इतने आदमियों के सामने वो मुझे बेकार के लिए जलील करेंगे? क्यों क्यों मैं उनके घर जाऊँ? वो मुझसे डरते हैं। अच्छा तुम उनके घर ना जाना, मेरे घर चलना, मेरा घर तो मौजूद है। जी हाँ, मुझे आप ही ले चलिए, मैं आपके घर जाऊंगी। भुलो मुझे इस तरह जलील करेंगे? वो जानते हैं कि उनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। वो जानते हैं कि उनके सिवा मैं। मुझे आप ही ले चलिए, नहीं तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अच्छा चलो, लेकिन चुप तो हो जाओ, सुनने वाले लोग क्या कहेंगे। तुम तो भुलुआ की तरह पागल नहीं हो। चल, मंजू खो गई है, शहर में आकर खो गई। चल मंजू को ढूंढना होगा, देखता नहीं। कपड़े पड़े हैं और मेरी मंजू खो गई। चल मंजू, मंजू, मंजू। भुलुआ, भुलुआ ने मुझे इतने आदमियों के सामने इस तरह जलील किया, मैं भी भुलुआ को दिल लगे दिखाऊंगी। अमर बाबू, अमर बाबू, अमर बाबू, अमर बाबू, मैं कलकत्ते में नहीं रहूंगी, मुझे अभी ले चलिए यहाँ से दूर, कहीं बहुत दूर, जहाँ भुलुआ मुझे तलाश भी करे तो न पा सके। अच्छी बात है, चली जाना, लेकिन इस वक्त इतनी रात को कहाँ जाओगी? नहीं, मैं अभी जाऊंगी, यहाँ से दूर, कहीं बहुत दूर, एक मकान ठीक करके मुझे अभी ले चलिए। अच्छा अभी तो जाके सो रहो, मैं सब बंदोबस्त करके कल ही तुम्हें ले जाऊंगा। जाओ जाओ सो जाओ। बाबुल मुरा बाबुल मरा नैहर छूटा जाए मोराए नैहर छूटो ही जाए चार कहार मिले मोरी डोलिया सजावे मोरा अपना बेगाना छूट जाए मोरा नैहर तू तो ही जाए अंगना तो पर्वत भया और देरी भई विदे ले घर बाबुलिया पुनो मैं चली पिया के दे बाबुल मोरा नैहर छूट जाए मोरा। आपने मकान ठीक किया है तो? हाँ। तो जरा ठहरिए, मैं भुला से कह रहा हूँ कि मैं उनके घर में नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ कहीं दूर चली जाऊंगी। भुलवा भुलवा तलाश भी करे तो ना पा सके। बाबुल मोरा नैहर
नहीं नहीं नहीं, तुम मंजू से शादी नहीं कर सकोगे। कहाँ जा रहा हो? रास्ते मेले में मंजू कहाँ? मंजू खो गई। तुम नंदू को लेकर भाग जाओ, अभी भाग जाओ, किसी गांव में चली जाओ, नहीं तो नंदू भी खो जाएगा। मंजू खो गई? ये कैसे? शहर में लाया था ना, देखती नहीं हो, मंजू को ढूंढ रहा हूँ। मंजू 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 भुलवा भुलवा, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, मैं अमर बाबू के साथ अभी चली जा रही हूँ। मैं डालकर जो चली जा रही हो, क्या इसके लिए अफसोस तो ना होगा? नहीं नहीं, आप और तेज चलिए। गाड़ी रोकिए, घुमाइए। उस रास्ते से हम लोग कलकत्ते आए थे, वो जरूर उसी रास्ते पर जाते हुए मिलेंगे। जल्दी चलिए। क्या हुआ, मुंह क्या देख रहे हैं? मैं आपके पैर पड़ती हूँ, अब देर ना कीजिए। उन्हें इतना गुस्सा है कि वो और ही दूर चले जाएंगे, ढूंढने पर भी ना पा सकूंगी। जल्दी चलिए। I'm
मुझे माफ कर दो भुलुआ। भुलुआ चलो चलो फिर गांव में चले भुलुआ।